तो हे गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो देखी है गाइस, इस टाइम पर जो है ये वीडियो बहुत ही तेज से वायरल हो रही है इंस्टाग्राम की रील पर। आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन की मदद से, यही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो वीडियो जो होगी आपको एंड तक वॉच करनी है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कैपकट एप्लीकेशन के लिंक दिए, इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, प्लस का आइकन है, न्यू प्रोजेक्ट आपको यहाँ क्लिक कर देना है। आपको यहां पर खुद का जो होगा एक फोटो, उस फोटो को आपको यहां पर लेना होगा, ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद गाइस, इस फोटो को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर जो है आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको करीब यहां पर 8 से 10 सेकंड का यहां पर बड़ा कर देना होगा। बड़ा करने के बाद आपको एंड में वाटरमार्क देखने को मिलता है, इस वाटरमार्क पे आपको क्लिक करके यहां से जो इस वाटरमार्क को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना होगा गाइस, बिल्कुल यहां पर आगे आना है, और सबसे पहले इसका फ्रेम जो होता है वो आपको यहां पर सेट करना है, यानी कि यहां पर आपको फ्रेम जो करना होगा वो 9.16 से आपको यहां पर कर देना होगा। करने के बाद आपको सिंपल यहां पर गाइस फोटो पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमने 9.16 से सिर्फ कैपकट वाला किया है, अभी फोटो वाला आपको 9.16 से आप यहां पर करना होगा। तो इस पर क्लिक करना है और फोटो पे, और यहां पर कटिंग और एडिट का ऑप्शन देखोगे आपको यहां पर क्लिक करना है, यहां पर आपको क्रॉप हो आपको यहां पर क्लिक करना है, और यहां पर आपको जो है 9.16 से आपको कर देना है। कुछ इस तरीके से आप यहां पर जूम भी कर सकते हो। करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहां पर ओके कर देना है। आप देख सकते हो हमारा जो फोटो था वो 9.16 से हो चुका है, और हमारा जो कैपकट का वो होता है मतलब कि वो भी 9.16 में हो चुका है। तो इन दोनों करने के बाद आपको फोटो को पूरी तरीके से यहां पर फिट टू स्क्रीन, यानी कि 9.16 में इस तरीके से कैपकट में फिट टू स्क्रीन आपको यहां पर कर देना होगा, बहुत अच्छे से यहां पर करना है। करने के बाद फोटो पे ही आपको क्लिक करके रखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे देखने को मिलता है कि स्टाइलिस्ट का, आपको यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ये देख भी सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो न्यू इफेक्ट है मतलब स्टाइलिश लुक वाइज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ गाइज आपको अपनी यहाँ पर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड जो होता है आपको वहाँ वो उसे यहाँ पर जो है ओपन कर देना है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पर चालू कर देनी है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ पर वायरल वीडियो को बना पाओगे। तो वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्ड आपको यहाँ पर चालू कर देना है, उसके बाद इस वीडियो को जो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर, और ये भी जो मतलब कि आप मतलब ये एडिट कर रहे हो आप इस तरीके से, वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड में पूरी तरीके से इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी वीडियो आनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने के बाद ये देख सकते हो ये जो इफेक्ट था, यानी कि एक वायरल स्टाइलिस्ट इफेक्ट था। ना करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल आगे आना है, अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो जो ट्रेंडिंग एंड बाद में वीडियो आती है वो यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है गाइस, और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम सेव करेंगे, तो ऊपर तीर का निशान था वहाँ पर क्लिक करके सेव करेंगे। एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मैंने और दिया जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपने फोन में प्लस का आइकन मिलता है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। सो गाइज आपने जो स्क्रीन रिकॉर्ड की थी वीडियो वो वाली, और जो हमने अभी कैपकट एप्लीकेशन से वीडियो सेव की है वो वाली वीडियो, यानी कि दोनों की दोनों वीडियो आपको यहां पर जो है लेके आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर की तरफ क्लिक करना है, यहां पे आपको मिलता है 9.16 शो, तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा और 9.16 शो कर देना है। करने के बाद अपना म्यूजिक जो होता है आपका उसे भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, म्यूट कर देना होगा। म्यूट करने के बाद हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड थी वो आ चुकी है, एंड में वीडियो आ चुकी है, उसके एंड में हमारा वाटरमार्क है, तो इस वाटरमार्क पे क्लिक करके इस वाटरमार्क को क्या करना होगा, यहाँ से डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद बिल्कुल आगे आना है, आगे आने के बाद हमारी जो वीडियो स्टार्ट है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यानी कि जो सेकंड से स्टार्ट है जहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करना होगा। आपको यहाँ पे आके सीजर की मदद से दो पार्ट में डिवाइड करना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी आपका वीडियो का स्टार्टिंग में होगा उसे यहाँ से आपको डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद हमें एक वीडियो की हेल्प चाहिए बीट मैच करने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए उसके लिंक ऑल मटेरियल करके, तो जहाँ पर तीर का निशान है आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर क्लिक करके जो वीडियो मैंने आपको नीचे दी है आपको उस वीडियो को यहाँ पर जो है लेके आ जाना है। तो जैसे ही आप उस वीडियो को यहाँ पर लेके आते हो गाइज, तो देख सकते हो वो वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। इस वीडियो की मदद से हम अपनी वीडियो की जो बीट होती है उसे मैच कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। वो आपको बारीकी से थोड़ा यहाँ पर देखना होगा कि कहाँ पर आपकी वीडियो मतलब कि आती है स्क्रीन रिकॉर्ड के बाद, यानी कि कैपकट का जो ट्रेंड वाला वो चल रहा है उसके बाद तुरंत बाद हमारी वीडियो आती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बीट मैच करनी होगी। थोड़ा वीडियो में देखना है और थोड़ा अपनी वीडियो में देखना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको देखना है क्योंकि बहुत बारीक है बीट हमारी जो है, थोड़ी सी बीट है और यहाँ पर तुरंत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको आना है और सीजर की मदद से दो पार्ट में डिवाइड करना है, जो नीचे का पार्ट था यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड वाला, और उसे
से यहाँ से जो होगा आपको डिलीट कर देना होगा। जैसे ही आप डिलीट करते हो तो आपकी जो वीडियो थी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि हमारी जो वीडियो है वो आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड के बाद वीडियो आ चुकी है। एंड में आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो को जो है यानी कि जो हमने पहले वीडियो ली थी इस वाली वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। एक बार अपनी वीडियो को हम यहाँ कर क्या करते हैं प्ले करके देखते हैं। तो हमारी जो वीडियो है गाइज वो पूरी तरीके से बनकर तैयार अभी नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी भाइयों को नहीं पता इसमें म्यूज़िक कैसे ऐड करते हैं। तो मैं ये भी बता देता हूँ, म्यूज़िक का आइकन है गाइज, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, म्यूज़िक के आइकन पर क्लिक कर देना है। और गाइज आपको क्लिक करना होगा यहां पर, देख सकते हो प्लस का आइकन है, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जहां पर गाइस तीर का निशान है आपको यहां पर क्लिक कर देना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल करके मैंने आपको वीडियो दिया। अगर उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हो तो जो वीडियो होगी वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका म्यूजिक यहां पर आएगा। अपने म्यूजिक को इस म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने म्यूजिक को इस वाले को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी तरीके से। इस तरीके से क्या होगा, आपकी वीडियो में म्यूजिक ऐड हो जाएगा। और अगर आप अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हो तो आपकी वीडियो गाइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ये ट्रेंड इस टाइम पर बहुत ही तेजी से चल रहा है इंस्टाग्राम की रील पर, तो आप इस वीडियो को बना के जरूर अपलोड करना, क्योंकि मैंने ट्रेंडिंग में जो म्यूजिक है उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो को सेव करना है और मिलते हैं गाइस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।